नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा के राधा स्वामी सत्संग घर के नज़दीक गोपाल एंड सन्स ट्यूबवेल स्टोर पर कल रात 3 नकाबपोश युवकों ने दुकान में से लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। खास तौर पर चोरों ने दुकान में रखे तांबे के तार के बंडल चुरा लिए। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। हालांकि चोरों ने चतुराई दिखाते हुए सीसीटीवी की तारें काट दी थी। डीवीआर को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन जल्दबाजी में वे सेटअप बॉक्स उठाकर ले गए। डीवीआर सुरक्षित है और उसके अंदर सीसीटीवी भी कैद हुई वारदात भी सुरक्षित है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मामला दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर। सुबह आज 9:30 बजे मेरे बेटे ने आके जब शॉप ओपन की तो कुछ सामान उल्टा पुल्टा नजर आया। फिर पूरी तरह बारीकी से देखने में यह मालूम पड़ा भी रात को चोर आए हैं और उन्होंने मेरी दुकान के उत्तर पश्चिम कॉर्नर साइड में खाली प्लाट पड़ा, जहां पहले कैनरा बैंक की बिल्डिंग होती थी, उसमें दीवार में सेंध लगाकर दुकान में एंटर हुए। और सीसीटीवी फुटेज देखने पे ये मालूम पड़ा भी उसकी उन्होंने तारें तूरें तोड़ी हुई हैं। और उसमें जितनी फुटेज थी, रात को संडे की रात 17 तारीख की रात को 11:45 से 12:15 बजे तक की है, जिसमें 3 व्यक्ति मुंह के ऊपर कपड़ा बांधा हुआ एंटर हुए हैं। और टीवी का जो जैसे टाटा स्काई का इस तरह एक और कंपनी का लगा हुआ था, वो बॉक्स तो वो उठा के ले गए और 12:15 के बाद फिर उसमें नहीं आई। और वो बॉक्स डीवीआर यहीं छोड़ गए सीसीटीवी फुटेज का, जिसके अंदर उनके मुंह पे कपड़े बांधे की फुटेज है। तो इससे ये मालूम पड़ता है अभी 12:15 बजे के करीब उन्होंने उसकी तारें वगैरह तोड़ दी, निकाल दी। 3 आदमी, कॉपर वायर ज़्यादातर तो कॉपर वायर थी, उसके अतिरिक्त थोड़े ये स्क्रैप कॉपर के पुराने निकले होते हैं ना इम्पेलर समर्सिबल रिपेयर में, इम्पेलर गन मेटल बुश वगैरह मामूली वो थे। ये अभी तक तो नोटिस में यही आइटम आई है, बाकी इतनी बड़ी दुकान है पूरा सा तो इतना नहीं लग सकता, अंदाजन 2 लाख रुपए के आसपास दे दीजिए।